जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। आखिरकार हनुमान जी ने सुरसा की बात मान ली तो वे तत्काल अपने विशाल रूप को समेटते हुए महिमा तथा लघिमा शुद्धि के बल पर किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। आखिरकार हनुमान जी ने सुरसा की बात मान ली और सुरसा का भोजन बनना स्वीकार कर लिया। सुरसा ने जो ही मुख खोला पवन पुत्र ने अपना आकार विशाल कर लिया। यह देख सुरसा ने भी अपना आकार बड़ा कर लिया। जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने अपनी सीमा लांघकर मुंह का आकार और भी बड़ा कर लिया है तो वे तत्काल अपने विशाल रूप को समेटते हुए उसके अंदर गए और वापस आ गए। हनुमान के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र तुम अपने कार्य में सफल हो। हनुमान ने अपने शरीर को पहले विशाल काय और फिर एक छोटे से रूप में महिमा तथा लघिमा शुद्धि के बल पर किया। हनुमान रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं। संकट मोचन हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। हनुमान अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा ईश्वित्व और वशित्व इन सभी 8 प्रकार के सिद्धियों के स्वामी हैं। राम जब लक्ष्मण के साथ सीता जी को वन वन खोज रहे थे तो ब्राह्मण वेश में हनुमान जी अपनी सरलता वाणी और ज्ञान से राम जी को प्रभावित कर लेते हैं। यह वशीकरण वशित्व सिद्धि है। माता सीता को खोजने के क्रम में जब पवन पुत्र सागर को पार करने के लिए विराट स्वरूप धारण करते हैं तो उनका यह कार्य महिमा सिद्धि का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब हनुमान जी सागर पार कर लंका में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े तो अति सूक्ष्म रूप धारण कर अणिमा सिद्धि को साकार किया। माता सीता को खोजते खोजते जब बजरंगबली अशोक वाटिका में पहुंचे तो उनके लघु रूप बनने में लघिमा सिद्धि काम आई। इसी प्रकार पवन सुत की गरिमा सिद्धि को दर्शन करने के लिए महाभारत काल में जाना होगा। जब हनुमान महाबली भीम के बल के अहंकार को तोड़ने के लिए बूढ़े वानर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गए थे और भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए थे। इसी प्रकार बाल हनुमान के मन में उगते हुए सूर्य को पाने की अभिलाषा जागी तो उन्होंने उसे पकड़कर मुंह में रख लिया तो अभिलाषा सिद्धि के दर्शन हो गए। प्रकाम्य सिद्धि को समझने के लिए पवन पुत्र की राम के प्रति भक्ति को समझना होगा। राम भक्त हनुमान ने राम की भक्ति के अलावा कुछ और नहीं चाहा और वह उन्हें मिल गई। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान की कृपा के बिना राम की कृपा नहीं मिलती। पवन पुत्र के राम के प्रति अनन्य भक्ति का ही परिणाम था कि उन्हें प्रभुत्व और अधिकार की प्राप्ति स्वतः ही हो गई। इसे ही ईशित्व सिद्धि कहते हैं। इसी प्रकार नवरत्नों को ही नौ निधि कहा जाता है। ये है पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर। सांसारिक जगत के लिए ये निधियाँ भले ही बहुत महत्व रखती हों लेकिन भक्त हनुमान के लिए तो केवल राम नाम की मणि ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। इसे इस प्रसंग से समझा जा सकता है। रावण वध के पश्चात एक दिन श्री राम सीता जी के साथ दरबार में बैठे थे। उन्होंने सभी को कुछ न कुछ उपहार दिए। श्री राम ने हनुमान को भी उपहार स्वरूप मूल्यवान मोतियों की माला भेंट की। पवन पुत्र उस माला से मोती निकाल निकाल कर दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। हनुमान के इस कार्य को देखकर भगवान राम ने
हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, आप इन मोतियों में क्या ढूंढ रहे हैं? पवन पुत्र ने कहा, प्रभु मैं आपको और माता को इन मोतियों में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसमें आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और जिस वस्तु में आप नहीं हैं, वह मेरे लिए व्यर्थ है। यह देख एक दरबारी ने उनसे कहा, पवन पुत्र, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में भी भगवान है? अगर ऐसा है तो हमें दिखाइए, नहीं तो आपका यह शरीर भी व्यर्थ है। यह सुनकर हनुमान जी ने भरी सभा में अपना सीना चीर कर दिखाया। पूरी सभा यह देखकर हैरान रह गई कि भगवान राम माता जानकी के साथ हनुमान के हृदय में विराजमान हैं।